जय श्री राधा कृष्णा। प्रभु जी आप सब लोगों का स्वागत है आज इस सत्संग में, गुड एसोसिएशन में। आज के पॉइंट्स भी मैंने थोड़ा लिख लिया है, जैसे कि मैंने बताया था, इट्स बेटर टू राइट रेदर टू फॉरगेट दोज। तो चलिए थोड़ी सी आरती से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि ये मैंने नीचे टाइटल डाला है, एक्सप्लोसिव लेक्चर मेंट फॉर सोशल वेलफेयर एंड स्पिरिचुअल वेलफेयर ऑफ पीपल। हरे कृष्णा प्रभु जी, शुरू करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय जय कृष्ण बलराम, जय गौरंगा निताय गौरंगा निताय, नित्याई गौरंगा जय गौरानिताय, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय जय कृष्ण बलराम, जय गौरानिताय जय जय गौरानिताय गौरानिताय श्री गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवराज कचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचार्यशील हरिदास ठाकुर की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचारी श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवसदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। तुलसी देवी की जय। यमुना देवी की
जय भक्ति देवी की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, आप सभी भक्तों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है प्रभु जी। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, टुडेज लेक्चर वुड बी ऑन सोशल वेलफेयर एंड स्पिरिचुअल वेलनेस ऑफ पीपल एज सजेस्टेड इन द टाइटल। क्यों? इट इज बिकॉज ये बहुत रियली नेसेसरी है ताकि लोगों को ट्रू एब्सोल्यूट नॉलेज वो गेन कर सके। क्यों? नहीं तो इंसान दुखी रहता है, और जैसे ही उसको भक्ति से जो ज्ञान प्रकट होता है, वो इस पथ पर चलता है, तो वो क्या होता है, खुश रहता है। फिर वो अपने भाइयों में इसको बांट सकता है। क्यों? हृदय में सबके कृष्ण बैठा है, जैसे कि बता रहे हैं। चाहे आप गुरु ग्रंथ साहिब में देख लीजिए, वाहे गुरु भी वह से विष्णु, ह से हरे कृष्णा, जीव से गुरु गोविंद। और आप मुसलमानों में देखेंगे मौला अली श्री कृष्ण है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन शब्द भी कृष्णा से आ रहा है। तो ये आप कोई भी होली बाइबल में चले जाइए, सो कृष्णा इज नॉट हिंदू गॉड, कृष्णा इज सनातन, ही इज इन एवरी लिविंग एंटिटी। अगर गुरु ग्रंथ साहब में जाएंगे तो गुरु अंगद देव जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, आप वाणी में पढ़ेंगे, कह रहे हैं कीट कीट में कृष्ण है। तो कीट कीट में भी, कीट से लेके ब्रह्मा तक, कोई भी जीव ऐसा नहीं है, हर कोई कृष्ण का दास है। तो हम भी अपना असली पोजिशन को समझेंगे तभी हम खुश रह सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट बी हैप्पी। वी विल ओनली बी जस्ट गेटिंग स्मॉल काइंड ऑफ रिलीफ विच कम्स विद ए पैकेज ऑफ सर्विंग सफरिंग। तो रियल प्लेजर अगर लेना है तो अंश अगर पूर्ण की सेवा करेगा तभी मिल सकता है, बिकॉज इट इज रियली नेसेसरी फॉर द पीपल टू गेन एब्सोल्यूट ट्रू नॉलेज ऑफ द सुप्रीम थ्रू विच दे कैन कम आउट ऑफ डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। जैसे हमारे जो सील प्रपाद हैं, जगत गुरु, जो गुरुदेव होते हैं, ज्ञान का प्रकाश करते हैं ताकि अज्ञान का अंधकार दूर हो सके। तो जैसे गुरुबानी में भी बोलते हैं ना, गुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन होगा। ये धुंध किसकी है? ये डार्कनेस है अज्ञानता की। जब तक हम इसमें रहेंगे हम खुश नहीं रह सकते। तो जैसे कि आपके घर में चोर बैठे हैं, क्या करोगे? मान लो आपके घर चोर आ जाए, आप रिंग किसे रिंग करेंगे ना, पुलिस को रिंग करेंगे, फोन करेंगे। उसी तरह आपके जो शरीर में ये बैठे हैं चोर, काम क्रोध मद लोभ मोह माया, ये सब, लस्ट एंगर ग्रीड एंग्जाइटीज मटीरियल डिजायर्स, व्हाट शुड यू डू? हरी नाम की गोलियां चलाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो मंत्र तो बहुत है, ये महामंत्र है। किसने दिया है? चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। ये मंत्रों का बाप है। क्यों? 500 जो कब प्रकट हुए, 537 साल पहले आज से, जो कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। क्यों आते हैं? पाप तो हमने किए 84 लाख योनियों से, महाप्रभु को आने का क्या जरूरत है? क्यों? वो दयालु बहुत है, इज वेरी मर्सीफुल। महाप्रभु तो उनको भी प्रेम देते हैं, भाग भाग के देते हैं, जो पीछे भागते हैं ना, भी जो भागते हैं उनको देख के उनको भी कहते हैं, वो कहते हैं नहीं चाहिए कृष्ण प्रेम, वो कहते हैं ले लीजिए ले लीजिए। क्यों? महावदान्याय उतार रहे हैं, महाप्रभु बहुत दयालु हैं। तो वो जीवों को तारना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू मेक कंडीशन सोल्स लिबरेटेड, दैट्स वाई ही कम्स, ताकि मैं जीवों को महामंत्र दे दू। क्यों? हम भगवत धाम को भूले बैठे हैं। बिफोर वी यूज टू लिव इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बट हमें मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ा। जैसे बाप अपने बेटे को कहता है ना, लॉलीपॉप नहीं खानी बेटा, नहीं खानी नहीं खानी, पर वो जिद करता है। और पिता है दयालु, श्री कृष्ण से दयालु कौन होगा? श्री कृष्ण तो अद्वैतम अद्भुतम अनंतम अछूतम अद्वैतम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, वही अनादि है, वही सुप्रीम है, वही फर्स्ट पर्सन है। और वो तो प्रेसिडेंट है ना, जैसे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होता है, आगे लीडर खड़े किए हैं,
कि बेटा तुम कर लो, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। शिव जी को, ब्रह्मा को, विष्णु को, सबको एक डिपार्टमेंट दिया है जिसमें वो हस्तक्षेप नहीं करते। पर ये भी याद रखिए, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना कोई काम नहीं होता। जैसे अगर कृष्ण ने आपको खाली हाथ मोड़ दिया, तो कोई देवता या भगवान जितने भी हैं, भगवान क्यों कहते हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण को हृदय में धारण किए हैं। तो हर कोई शाश्वत सेवक है श्री कृष्ण के। अगर उन्होंने ना कर दी, कोई देवता आपको दे नहीं पाएगा। तो कौन है महाप्रभु? थोड़ा महाप्रभु के बारे में बताते हैं संक्षेप में। चैतन्य महाप्रभु खुद प्रकट हुए कितने, 537 साल पहले, 18 फरवरी 1486 में। कहां पर? नवदीप में, जो कि अब वेस्ट बंगाल में है। तो ही हिमसेल्फ इज इन ए पास टाइम ऑफ अ डिवोटी। वो खुद भगवान के भगत का लीला कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम्ये मम जनमनी जनमनी ईश्वरे भवताद भक्ति हेतु की तविये। कि कहते हैं, हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे ना धन एकत्र करने की कामना है, न सुंदरी चाहता हूँ, न कविता का इच्छुक हूँ, न सुंदर कविता को अलंकार करना चाहता हूँ, ना मैं अनुयायी चाहता हूँ। मैं तो एक ही कामना करता हूँ, एक ही मात्र कामना है यही, कि जन्म जन्मांतर में आपकी हेतु की भक्ति की या हेतु की कृपा आपकी मेरे को मिलती रहे, भक्ति बनी रहे बस। और कुछ नहीं चाहता हूं, आपके चरण कमलों का रस मिलता रहे, चाहे भौतिक जन्म में बार बार आना पड़े, चाहे जन्म हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जन्म ना हो। कह रहे हैं ना, मुझे धन चाहिए ना जन्म चाहिए, मुझे बस आपकी हेतु की भक्ति चाहिए। तो इसी में हम सबका कल्याण है। इधर उधर भटकेंगे तो कल्याण नहीं होने का अंश, जब तक पूर्ण की सेवा में नहीं लगेगा प्रभु जी, तब तक हमारा कल्याण नहीं होने का। तो अभी क्या होता है, हम देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में देर इज राग एंड द्वेष, एनवी एंड जेलेसी। जैसे हमारे पंजाब साइड में स्पेशली शो ऑफ करते हैं ना बहुत ज्यादा, कि आईफोन वगैरह जेब में लटका के घूमना। तो कहते हैं कि नहीं, पंजाबी में बहुत, पड़ोसी ने 2 गड्डी ले ली, मैं 3 ले लूंगा। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं, हमारा मार्ग है ना जो पतन की ओर जा रहा है। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम देखेंगे, आध्यात्मिक जगत में उल्टा होता है। कोई भगत है जैसे माला करता है, कम माला करता है, यार मैं तो 2 माला करता हूँ, वो अच्छे भगत है, वो 10-12 माला करते हैं कुछ, तो वो मुझे बता देंगे। और वो जो 10-12 माला करता है, वो क्यों, वो तो भगवान को जप रहा है, ऑटोमेटिक क्वालिटीज बहुत दयालु है। वो कहेगा नहीं, हाँ मैं छोटे हैं, उनको मैं बताऊंगा ताकि वो अच्छे से माला कर सकें, वो भी ज्यादा किया करें। तो आध्यात्मिक वर्ल्ड में कोई राग द्वेष नहीं होता, और राग द्वेष तो बहुत खतरनाक है, इससे हमारा पतन हो रहा है, उत्थान नहीं हो रहा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो हमेशा उत्थान हो रहा है। जैसे मैंने बताया, एक बल भक्त माला करता है ना। इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर इज नो एनवी एंड जेलसी। अब थोड़ा सा मैं आपको चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु हालांकि आए, उन्होंने मेन टीचिंग्स, बट बहुत टीचिंग्स दी, बट शिक्षा अष्टक उनका मेजर है। मैं आज वो 8 श्लोक आपको बताऊंगा। वो 8 श्लोक है क्या, कि चैतन्य महाप्रभु के मेन 8 श्लोक क्या थे, यहां मैंने वो लिखे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो प्रभु जी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अष्टक, जो पहला अष्टक का श्लोक है वो है, चेतो दर्पण मार्जनम भवमा दावा अग्नि निर्वापणम, श्री केरव चंद्र का वित्रनाम विदवदु जीवनम, अनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतीति पदन पूर्ण अमृत अस्वादनम, सर्वातम सर्वातम संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला, वर्षों से संचित मल, जो हम 84 लाख योनियों में भटके, तब का पाप का पहाड़ हृदय कोयले की तरह काला है, इस जन्म के भी कालक उस पे लिपटी हुई है, तो वो कैसे शुद्ध होगा? चैतन्य महाप्रभु इसी पहले श्लोक में बता रहे हैं, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। ये संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि ये मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्रकृत विद्या रूपी वधु का ये जीवन है,
ये आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है और श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा संचित पूर्ण अमृत का हमें आस्वादन कराता है। क्लियर, वेरी क्लियर। अब दूसरा श्लोक महाप्रभु का बताते हैं। महाप्रभु दूसरे श्लोक में क्या लिखते हैं, क्या बताते हैं? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काल एताहसी तव कृपा भगवन ममापी दुर्देव मिद्रिश मिहाजनी नानुराग। हे भगवन, इसका भावार्थ है हे भगवन, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं, आपने इन अप्रकृत नामों में अपनी समस्त अप्रकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई भी नियम नहीं है। हे प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके ऐसे नाम में भी मेरा अनुराग उत्पन्न ना हो पाया। तो ये क्या कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? कह रहे हैं मैं तो इतना दुर्भाग्यशाली हूँ। वो अपने लिए नहीं कह रहे, आप ये समझिए वो भगत का रोल प्ले कर रहे हैं। और जैसे आजकल कई लोग कहते हैं ना, ये जैसे मैं बता रहा था एनवी जेलसी करते, दिखावा करते हैं कि हम तो भगवान बन गए जी, अहंकार करते हैं। तो भगवान तो खुद भगत के रूप में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं भगत बनने में तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा है, भगवान खुद भगत बन के आते हैं। तो जो भगवान बनने को जा रहे हैं उनका तो पतन हो गया। जैसे रावण का जो लीला दिखाए हैं भगवान की, जो भगवान बनना चाहते हैं उनका क्या असर होता है। हालांकि रावण को याद रखा जाता है, पर उसको बुराई के रूप में याद रखा जाता है, उसका पुतला हर साल जलाया जाता है। तो इस तरह राम और रावण हमारे अंदर है। अगर हम अभी नाम नहीं करेंगे, अच्छे से गुड एसोसिएशन नहीं लेंगे, सो वी कैन नॉट कम आउट ऑफ बैड एसोसिएशन। हमको अपने राम को पहचानना है, अंदर से नाम लेना है, तो हमको भक्त बनने में फायदा है। महाप्रभु खुद भक्त बन के आए हैं, हालांकि वो दुर्भाग्यशाली नहीं है, तो भी वो भक्तों को बता रहे हैं कि बेटा कलयुग में भक्ति कैसे करनी चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं भगत को ऐसे करनी चाहिए कि किंतु मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके ऐसे नाम में भी मेरा अनुराग उत्पन्न हो पाया। तो महाप्रभु तीसरे श्लोक में क्या बोलते हैं? बोलते हैं त्रिनादपि तरो रीव सही शिनुना अमानी न मान देन कीर्तन्य सदा हरि। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष के समान सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर एवं दूसरों को सदा ही पूर्ण मान देने वाला होकर ही सदा श्री हरि नाम का कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। आगे जो चौथे श्लोक में महाप्रभु बताते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम्य मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवताद भक्ति हेतु की तवी। हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं, ना मैं अनुयायियों सुंदर स्त्री अथवा सालंकार कविता का ही इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतर में आपकी हेतु की भक्ति बनी रहे। और पांचवें श्लोक में महाप्रभु बताते हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विष्मे भवाम बोधो कृपा तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत्य। हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूँ, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस विश्व मृत्यु सागर से मेरा उद्धार कर अपने चरण कमल की धूलि का कण बना लीजिए। वो महाप्रभु छेवें श्लोक में बताते हैं, प्रभु जी नयनम गलद अश्रुधारिया वदनाम गदगद रुद्या गिरा पुलके निर्चितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे। भाव देखिए महाप्रभु का, इतना भाव तो किसी का हो ही नहीं सकता, भगत का ही हो सकता है। और महाप्रभु भगत का रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए महाप्रभु कौन है? खुद श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। जो श्री कृष्ण राधा के स्पर्श से पैदा हुए हैं, प्रकट किए हैं अपना लीला रूप, श्री कृष्ण और राधा है वो महाप्रभु। तो कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा हरि बोल, और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा।
और सातवें श्लोक में महाप्रभु बताते हैं, योग्यताम निमेषेन चक्षुषा प्रवर्षायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेन में। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष काल पलक लगने तक का समय एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख पड़ता है। और महाप्रभु आठवें श्लोक में जो शिक्षा अष्टक का लास्ट श्लोक है आखिरी, उसमें क्या कहते हैं महाप्रभु, अश्लेष्या व पदार्थाम पिनष्टुमा मा दर्शनम मरहताम करो तो वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथास्तु सा एव नापर। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं और वह मेरे लिए यथा अनुरूप बने ही रहेंगे, चाहे वह मेरा गाढ़ अलिंगन करें अथवा दर्शन ना देकर मुझे मर्माहत करें। वह लंपट कुछ भी क्यों ना करे, वह तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। कितना भाव प्रकट हो रहा है, आप देखिए, हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अब मैं ये थोड़ा लेक्चर छोटा ही रखूंगा, थोड़ा आपको बताता हूँ कि अभी जैसे हम गृहस्थी या गृहमेदी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, तो अभी क्या सिचुएशन है, प्रहलाद महाराज इस बारे में क्या कहते हैं। बस दो श्लोक आपके साथ शेयर करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो देखिए, ये जो है श्रीमद् भागवतम, जो कि कलयुग का हथियार है, जो कि जो श्रील जो हमारे व्यासदेव हैं, श्रील व्यासदेव जी, उन्होंने क्यों रचा, वो सब ग्रंथ रच के थक गए, कह रहे संतुष्टि नहीं मिल रहा है। तो नारद मुनि आए तो बेटे दुखी देखे क्यों हो, तो बोले सब ग्रंथ लिख दिया हूँ, महाभारत गीता सब कुछ ये मैंने दे दिया है साहित्य, तो कह रहे मैं संतुष्टि नहीं मिला, दुखी हूँ। तो नारद कहते बेटा वो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि तुमने भगवान का तारीफ यानी कि जिक्र यानी कि ग्लोरिफिकेशन नहीं किया, ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड कान्हा जी कृष्णा। बोले ठीक है, उन्होंने फिर भागवतम की रचना है, जो कि कलयुग का हथियार है, जिसमें सच्चाई बताई गई है, जिसको हम पढ़ते हैं तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कान आंखें खुली रह जाती है, कान खड़े हो जाते हैं, क्यों, सत्य सत्य ही रहता है हमेशा। श्री प्रभुपाद भी इस बारे कहते हैं कि सत्य सत्य ही रहता है और सत्य में जयते, इसीलिए हम बोलते हैं ना सत्य की जय हो, तो सत्य को सुनना चाहिए, नहीं तो हम असत्य और अज्ञानता में भटकते रहेंगे, उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा, हम कभी खुश नहीं रह सकते। जैसे मैं बताया हूँ, दैट इज रिलीफ दैट विल लीड टू सफरिंग। अगर खुश रहना है वाकई में, रियल प्लेजर लेना है, तो वी शुड हैव द परफेक्ट नॉलेज, जो साधु ज्ञान देता है, साधु आत्मा का डॉक्टर होता है, उसका कहना मान के चलेंगे तो मन और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो हालांकि मैं बताता हूँ भी, भागवतम में लिखा है, तो ऐसे शील व्यासदेव जब भागवतम लिख दिए तो कहते अब पूर्ण संतुष्टि मिल गई, जो कि शील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाई। तो वहां पे भी वो लीला कर रहे हैं, परीक्षित ने 7 दिनों में मरना था ना, हमें भी 7 दिनों में मरना है। आप पूछे कौन कैसे होंगे, तो 7 दिन ही ना, संडे टू मंडे, कोई एक दिन नहीं होगा ना इनमें से, उनके पास तो पर्टिकुलर 7 डे थे, पर वो लीला में बता रहे हैं हमें भी इन 7 दिनों में जाना है, तो क्या करना चाहिए। उन्होंने बता दिया भगवान का गुणों का स्मरण, विष्णु स्मरणम है ना, और क्या करते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम है ना, और अर्चनम वंदनम पाद, ये जो पाद सेवनम सख्यम दास्यम और ये आत्म निवेदनम, इन विधियों में से ही हमको कोई अपनानी चाहिए जिससे हमारा उद्धार हो सके, क्योंकि हम अंश है और अंश पूर्ण की सेवा में ही खुश रह सकता है, अनलेस एंड अंटिल ही कैन नेवर बी हैप्पी। तो 7वें कैंटो का 5वां चैप्टर का 5वां श्लोक यानी 7वां स्कंद 5वां अध्याय का 5वां श्लोक, श्रील प्रहलाद उवाच, यहाँ प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। तो ये प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको बताएंगे, श्रील प्रहलाद उवाच, तत्साधु मन्ये सुरवर देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्राहत हित्वा आत्मा पतम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद धार्यम आश्रियत।
तो ये प्रहलाद महाराज किसको कह रहे हैं? ये हिरण्यकशिपु को बता रहे हैं। क्या कहते हैं ट्रांसलेशन, आपको इंग्लिश में थोड़ा आज पढ़ के बताता हूँ, एंड वेरी सिंपल इंग्लिश, आप इजिली समझ जाएंगे। प्रहलाद महाराज रिप्लाइड, ओ बेस्ट ऑफ द असुरास, किंग ऑफ द डीमंस, एज फार एज आई हैव लर्न फ्रॉम माई स्पिरिचुअल मास्टर, एनी पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड अ टेम्परेरी बॉडी एंड टेम्परेरी हाउस होल्ड लाइफ इज सर्टेन एम्बेरेस्ड बाई एंग्जाइटी बिकॉज ऑफ हैविंग फॉलन इन अ डार्क वेल वेयर देयर इज नो वॉटर बट ओनली सफरिंग। ये है हमारा पोजिशन, देख रहे हैं। वन शुड गिव अप दिस पोजिशन एंड गो टू द फॉरेस्ट वना, मोर क्लियरली वन शुड गो टू वृंदावन वेयर ओनली कृष्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस इज प्रिवलेंट एंड शुड थस टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना चाहिए, कहाँ जाकर? वृंदावन। बट चैतन्य महाप्रभु तो उसको भी उसान कर लिए हैं कि तुम महामंत्र का नाम लो, तुम्हें अलग से वृंदावन जाने का जरूरत नहीं, जब नाम लोगे तो वहीं पे वृंदावन होगा। वृंदावन भी जाना चाहिए, हम मना नहीं करते, जब भी आपको टाइम लगे, वेन एवर यू आर अवेलेबल, क्योंकि वो भगवान के भगवत धाम का झलकी है भौतिक जगत, और वो इस भौतिक प्रकृति में शामिल नहीं है। मैं नहीं बता रहा, गीता में श्री कृष्ण खुद बता रहे हैं, तो इसका परपट बताऊंगा। भावर्थ, हिरण्यकशिपु थॉट दैट प्रहलाद बीइंग नथिंग बट अ स्मॉल बॉय विद नो एक्चुअल एक्सपीरियंस माइट रिप्लाई विद समथिंग प्लीजिंग बट नथिंग प्रैक्टिकल। प्रहलाद महाराज हाउएवर बीइंग एन एग्जाल्टेड डिवोटी हैज एक्वायर्ड ऑल द क्वालिटीज ऑफ एजुकेशन। प्रहलाद महाराज में सब क्वालिटीज थी, क्यों? भगत में सब क्वालिटीज होती है। कैसे? जैसे भागवतम के 5वें कैंटो का 18वां चैप्टर, 5वें कैंटो का 18वां चैप्टर यानी 5वें स्कंद का 18वां अध्याय और 12वां श्लोक कहता है, यस्य अस्ति भक्तिर भगवती किंचन सर्वेर गुणेश तत्र समस्ते सुरा हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोराथे अस्ति न मनोरथे नास्ति मनोरथे नास्ति दावतो भई। इसका मतलब है, वन हु हैज अनफ्लिंचिंग डिवोशनल फेथ इन कृष्णा कंसिस्टेंटली मैनिफेस्ट ऑल द गुड क्वालिटीज ऑफ कृष्णा एंड द डेमीगॉड्स। हाउएवर ही हु हैज नो डिवोशन टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हैज नो गुड क्वालिफिकेशंस बिकॉज ही इज एंगेज्ड बाय मेंटल कॉन्कॉक्शन इन मटीरियल एग्जिस्टेंस विच इज द एक्सटर्नल फीचर ऑफ द लॉर्ड। So called educated philosophers and scientists who are simply on the mental platform cannot distinguish between what is actually sat eternal and what is asat temporary. The Vedic injunction is asato ma jyotirgama. Everyone should give up the platform of temporary existence and approach the eternal platform. तो हमें ये अपने भौतिक जगत के प्लेटफॉर्म, इनको भौतिक कलमसों को छोड़ के ये अटर्नल जो भक्ति का, इसको ग्रहण करना चाहिए जो कि शाश्वत है, जो कि कभी जिसका अंत नहीं होता। द सोल इज इटर्नल, क्योंकि आत्मा भी शाश्वत है। एंड टॉपिक्स कंसर्निंग द अटर्नल सोल आर एक्चुअली नॉलेज। तो अटर्नल जो होता है वही एक्चुअल में नॉलेज होती है, जो कि आत्मिक नॉलेज है, भगवान की नॉलेज है, परमात्मा की नॉलेज है, क्योंकि आत्मा की प्यास परमात्मा ही बुझा सकता है। अदरवाइज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड ये मृग तृष्णा है, यू कैन फाइंड वाटर नोवेयर एल्स। द सोल इज इटर्नल एंड टॉपिक्स कंसर्निंग द इटर्नल सोल आर एक्चुअली नॉलेज। एल्सवेयर इट इज सेड, श्रीमद भागवतम के 2वां कैंटो पहला चैप्टर और 2वां श्लोक बताता है, अपश्यताम आत्म तत्वम ग्रहेशु ग्रह मेदिना, दोज हु आर अटैच्ड टू द बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ एंड हु द स्टिक टू लाइफ एज अ गृहस्थ और हाउस होल्डर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मटीरियल सेंस एंजॉयमेंट कैन नॉट सी द वेलफेयर ऑफ द इटर्नल सोल। प्रहलाद महाराज कन्फर्म्ड दिस बाय सेइंग दैट इफ वन वांट्स सक्सेस इन लाइफ ही शुड इमीडिएटली understand from the right sources what his self interest is and how he should mold his life in spiritual consciousness. One should understand himself to be part and parcel of Krishna.
एंड थस कंप्लीटली टेक शेल्टर ऑफ हिज लोटस फीट फॉर ग्रेंटेड स्पिरिचुअल सक्सेस। किसका? मुकुंद का शरण लेना चाहिए। क्यों? कोई भी देवता और भगवान अनलेस एंड अंटिल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मुकुंद है, वही आपको मुक्ति दे सकते हैं, बाकी नहीं कोई दे पाएगा। बाकी दे तो बहुत कुछ पाएंगे, वो भी कृष्णा के सैंक्शन से, क्योंकि कृष्णा हस्तक्षेप नहीं करते, वो परम दयालु है। जैसे हमारी लाइफ में नहीं हस्तक्षेप करते, ऐसे किसी के डिपार्टमेंट में नहीं हस्तक्षेप करते। पर यह भी याद रखिए, कृष्ण राखे मारे कौन, कृष्ण मारे राखे कौन। कृष्ण अगर नहीं देना चाहेंगे तो देवता आपको कुछ भी सैंक्शन नहीं कर सकते, कुछ नहीं दे सकते अपनी मर्जी से। तो वन शुड अंडरस्टैंड हिमसेल्फ टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा एंड थस कंप्लीटली टेक शेल्टर ऑफ हिज लोटस फीट फॉर गारंटीड स्पिरिचुअल सक्सेस। Everyone in the material world is in the bodily conception, जैसा कि हम देखते ही हैं, वैसे आजकल भी कलयुग में भी हर किसी का लाइफ देख रहे हैं, bodily conception देह आत्म बुद्धि में जी रहे हैं। Struggling hard for existence, life after life, बार बार जन्म लेकर बार बार आना पड़ता है, जब तक हम भगवान के लड़ने लगते, चरण कमलों में शरण नहीं ग्रहण करते, ये टेस्ट नहीं लगा ना, जब टेस्ट लगता है फिर ये टेस्ट आपको आगे चलाएगा आनंदमयो भयासा, क्योंकि सोल्स ओरिजिनल क्वालिफिकेशन इज वो आनंद में रहना चाहती, वो परमात्मा का अंश है ना, परमात्मा के साथ रहेंगे तभी आनंद में, रियल आनंद में रह सकते। तो एवरीवन इन द मटेरियल वर्ल्ड इज इन द बॉडली कंसेप्शन स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर एक्सिस्टेंस लाइफ आफ्टर लाइफ, इस लाइफ में नहीं बार बार, लाइफ आफ्टर लाइफ, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म। प्रहलाद महाराज therefore recommended that to stop this material condition of repeated birth and death, one should go to the forest, यानी कि वन, in the वन आश्रम system, one first becomes a brahmachari, then a grihastha, a vanaprastha, and finally a sannyasi. Going to the forest means accepting vanaprastha life, which is between grihastha life and sannyasa, as confirmed in the Vishnu Puran. थर्ड चैप्टर, थर्ड कैंटो, एट्थ चैप्टर, नाइन्थ श्लोक। वर्ण आश्रम चार्वता पुरुषेन परा पुमान विष्णुर आराधते। बाय एक्सेप्टिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ण एंड आश्रम, वन कैन वेरी इजिली एलिवेट हिमसेल्फ टू द प्लेटफॉर्म ऑफ वर्शिपिंग विष्णु, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अदरवाइज इफ वन रिमेन्स इन द बॉडिली कंसेप्शन, वन मस्ट रॉट विद इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ज्यादातर लोग दे आर रॉटिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, कब तक करते रहेंगे, जब तक भगवान का शरण नहीं ग्रहण करते। एंड हिज लाइफ विल बी अ फेलियर, सो इफ वन रिमेन्स इन द बॉडली कंसेप्शन, वन मस्ट रॉट विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड हिज लाइफ विल बी अ फेलियर। Society must have divisions of Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra, and for spiritual advancement, one must gradually develop as a Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha and Sannyasi. Prahlad Maharaj recommended that his father accept Vanaprastha life because as a Grihastha he was becoming increasingly demoniac due to bodily attachment. तो हमारी असुर प्रवृत्तियां जाग रही हैं, जब तक हम जागती जा रही हैं, किस स्तर तक, राक्षसी स्तर तक, डीमन शैतान, जब तक हम देह आत्म बुद्धि के लोभ मोह काम क्रोध में लगे हैं, जब तक हम भगवान का शरण नहीं ग्रहण करते। जो भगवान का शरण ग्रहण करेगा उसको तो भगवान चला रहा है, उसको टेस्ट लगा है, बाकी लोग बॉडली अटैचमेंट में रहेंगे और फिर वही चीज उनको वही टेस्ट चलाता रहेगा, मटेरियल माया। कृष्ण भूलिया जी भगवान छा करे, पाछे ताई माया तारे, जापोटिया धरे। कृष्ण को भूल गया जीव, जो कि रियल स्पिरिचुअल फादर हार्ट में बैठा है, इसलिए माया उसको अपने लड़ लगा कर घुमा रही। और ये माया की कोई गलती नहीं, माया को तो जॉब दी है भगवान ने, दुर्गा माया देवी जो बहन और बेटी बनाए हैं, छाया सी भुवनानी विभर्ती दुर्गा। Durga is like a durg, it's a fort which is attacking you from 10 of the directions. तो माया बहुत प्रबल होती है, तो जब तक हम श्री कृष्ण का शरण नहीं ग्रहण करेंगे तो माया अपनी लड़ लगाई रखेगी। तो आध्यात्मिक जो टेस्ट लगता है, तो जो शाही पनीर की तरह, तो मूंग मसरी की दाल हम भूल जाते हैं।
इस तरह जो हमें टेस्ट लगेगा, फिर वो टेस्ट हमें आगे खींच के चलाएगा, फिर खुशी मिलती है ना इंसान को। असल में क्या खुशी चाहिए ना, खुशी यहीं पर, हर तरह की खुशी, रिस्पेक्ट यहीं पर मिले। श्री कृष्ण उसको अंदर से सर्वलाइज सोल को गाइडलाइन कर रहे हैं। वो खुद तो लड़ पे लगा है, दूसरे को भी लगा सकता, तो ऐसे को सुनना चाहिए। भगत का चरण कमलों का रज लेंगे तो वो भगवत धाम की ओर तरक्की करवा सकता है, आध्यात्मिक प्रगति करवा सकता है, नहीं तो भौतिक तो सब पतन हो रहा है। जैसे एक घास का तिनका होता है ना, नहर पे या वाटर में चलते वो किनारे नहीं लग सकता, पर एक भारी लकड़ आती है हैवी, वो उसको लगा के किनारे लगा देती। तो केचित केवल या भक्तिया वासुदेव परायणा, ऐसे को छोड़ो मत जो सेल्फ लाइज सोल हो, उसके पाँव पकड़ लो और उसको, उससे क्वेरीज करो, प्रणिपातेन करो, परिप्रश्नेन करो, उसका सेवा भी करो, उसको सरेंडर करो। जो कान्हा जी को सरेंडर करता है, एक दिन दुनिया उसको सरेंडर कर देती। ऐसा मैंने देखा है अपनी एक्सपीरियंस और लोगों की जो प्रैक्टिकल लाइफ में, दिस इज रियल फैक्ट। तो प्रहलाद महाराज रिकमेंडेड दैट हिज फादर एक्सेप्ट वानप्रस्थ लाइफ बिकॉज ऐसा ग्रस्त था, ही वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिमोनियक ड्यू टू बॉडिली अटैचमेंट। प्रहलाद रिकमेंडेड टू हिज फादर that accepting vanprastha life would be better than going deeper and deeper into graham andhkupam, the blind well of life as a grista. In our Krishna consciousness movement, we therefore invite all the elderly persons of the world to come to Vrindavan and stay there in retired life, making advancement in spiritual consciousness, Krishna consciousness. एक और मैं आपको छोटा सा श्लोक बताता हूं हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश में ही बताता हूं मिक्स। ये सातवें अध्याय का, जो सातवें स्कंद का सातवां कैंटो पांचवा अध्याय 23वां और 24वां श्लोक, जिसमें श्री प्रहलाद महाराज बताते हैं। श्री प्रहलाद उवाच, प्रहलाद महाराज की जय, श्री प्रपाद की जय। श्री प्रहलाद उवाच, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पंसु अर्पिता विष्णु भक्ति शचेनव लक्षणा क्रियत भगवत्यदा तन्मन्य धित मुक्तमम। इसका मतलब है प्रभु जी, इसका भावार्थ, प्रहलाद महाराज सेड हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट द ट्रांसेंडेंटल होली, ट्रांसेंडेंटल मतलब दिव्य, भगवान का नाम दिव्य है ना, जैसे हम कोई और नाम जपेंगे, वाटर वाटर कोका कोला हम भोर आ जाएंगे, पर जब तक हम ये जप रहे हैं हरे कृष्ण किश किश हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये ट्रांसेंडेंटल ध्वनि है, दिव्य ध्वनि, इससे कभी बोर नहीं होंगी। बल्कि ये तो क्या मानते हैं, ये मिट्टी का देह की, ये पति पत्नी, ये तो मिट्टी में मिल जाना है, हाउ कैन दे प्रोटेक्ट यू पंचभूत का महाश्री, है ना, वो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए आता है, लड़की भी हाँ पैसा होगा, पैसा है ना इसके पास, ठीक है, वो लड़का भी हाँ सुंदरता, तो अगर ना हो सुंदरता तो उसके पास कभी जाएगा नहीं, फंसेगा नहीं उस चक्कर में, माया के चक्कर में। पर भगवान जो हृदय के अंदर बैठे अनंत प्रेम दे सकते, वो ऐसा प्रेम है कि और बढ़ता ही जाता है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा, अनंत। उसी तरह ये ध्वनि है हरे कृष्ण, जितना जपते जाएंगे अनंत अनंत अनंत। कईयों को मैं जानता हूँ, कई बड़े सीनियर डिवोटी, कोई 30 साल से जप रहा, 40 साल से, 20 साल से, कह रहे हमें बस अनंत अनंत अनंत, बढ़ता ही जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा। दिव्य ये होता है, दिव्य आध्यात्मिक, भौतिक नहीं है, भौतिक तो खत्म हो जाता है थोड़ी देर, या अभी या 10 साल 5 साल वालों, इट विल एक्चुअली लीड टू सफरिंग, है ना, बट ट्रांसेंडेंटल कभी नहीं खत्म होने का। तो ट्रांसेंडेंटल हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट द ट्रांसेंडेंटल होली नेम फॉर्म क्वालिटीज पैराफर्निलिया एंड पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, रिमेंबरिंग देम, सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, ऑफरिंग द लॉर्ड रिस्पेक्टफुल वर्शिप विद 16 types ऑफ पैराफर्निलिया, offering prayers to the Lord, becoming his servant, considering the Lord's best friend. देखिए सखे में क्या होता है, खुद को आप दोस्त की तरह मान सकते हैं, servant में जैसे दास मान सकते हैं, जैसे अर्जुन महाराज सखा मानते थे, जो तो सब कुछ ही कर सकता है तो बहुत ही बढ़िया है, वो उच्च कोटि का भगत है।
बट जो कुछ भी नहीं कर पाता उसको हम जोड़ देते हैं, आप हीरिंग 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 करते रहिए, ऑटोमेटिकली जो काम आप रिपीट पे करते हैं वही आपकी क्वालिटीज लाइफ में आएंगी, है ना। तो सिर्फ सुनते भी रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा। तो कान हरि के श्रवण नहीं करते तो वो सांप के बिल के समान, जितना आप अमृत को श्रवण करते रहेंगे उतना कान आपका प्योरिफाइड होगा, देन अल्टीमेटली योर सोल एंड बॉडी विल ऑल्सो लीड टू प्योरिफिकेशन। तो सेवा करना चाहिए, जप कीर्तन करना चाहिए, और ये भगवान किशन को भोग लगा के प्रसादम खाना चाहिए। इट इज वेरी नेसेसिटी नेसेसरी फॉर योर सोल्स प्योरिफिकेशन एंड अल्टीमेटली योर बॉडी विल ऑल्सो बी प्योरिफाइड। तो ऑफरिंग द लॉर्ड रिस्पेक्टफुल वर्शिप विद 16 टाइप्स ऑफ पैराफेनिलिया, ऑफरिंग प्रेयर्स टू द लॉर्ड, बिकमिंग ए सर्वेंट, कंसिडरिंग द लॉर्ड्स वन बेस्ट फ्रेंड एंड सरेंडरिंग एवरीथिंग ऑन टू हिम, इन अदर वर्ड्स सर्विंग हिम विद द बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, मनसा वाचा कर्मणा, मन से तन से और अपने शब्दों से उनको हम सर्व कर सकते हैं भगवान को। दीज 9 प्रोसेसेस आर एक्सेप्टेड एज प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति में सेवा। वन हु हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द सर्विस ऑफ कृष्ण थ्रू दीज 9 मेथड्स शुड बी अंडरस्टैंड टू बी द मोस्ट लर्न्ड पर्सन, फॉर ही हैज एक्वायर्ड कंप्लीट नॉलेज। जो भगवान को जानता है वो पूरी दुनिया का नॉलेज जान जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अभी हम उपाधियों में नियुक्त हैं, कैसे, मैं मैनेजर हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं चाचा हूँ, मैं चाची हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं माता हूँ, हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी, हमें समझना पड़ेगा हम दास हैं। कृष्ण मेरा मालिक है, राधा रानी मेरी मालकिन है, जो भगवान की शक्ति है। तो इन सब पोज से जब हम उठ जाएंगे, सर्वपादी विनिर्मुक्तम तत्प्रतेन निर्मलम, जब भगवान का टेस्ट लगेगा, भगवान का शरण ग्रहण कर लेंगे, तो वो दैट विल बी अवर ओरिजिनल पोजिशन, जिसे अभी हम खोए भूले बैठे हैं, खोए बैठे हैं ये कह लिए भूले बैठे। अभी भगवान का नाम जपना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान का शरण ग्रहण करेंगे, टेस्ट लगेगा, आगे डिटर्मिनेशन से चलेंगे, तभी हमारा जिंदगी वापस खोया हुआ आएगा। दैट्स ओनली हाउ वी कैन बी रियली हेल्थी एंड हैप्पी थ्रू आर माइंड एंड बॉडी। जैसे बोलते हैं ना, साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, सो माइंड एंड बॉडी आर इंटरलेटेड। माइंड हैप्पी है तो बॉडी को खुश रख सकते, बॉडी भी खुश रहना चाहिए तो माइंड को खुश रख सकते, है ना। तो आज के लिए इतना ही प्रभु जी, बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू फॉर गिविंग मी गुड एसोसिएशन एंड और मेरे साथ एसोसिएशन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको सब तरह से कृष्णा ब्लेस यू ऑल, मेरी तरफ से हर प्रकार की शुभकामना, भगवान आपको शुद्ध भक्ति से सुसज्जित करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आप सब लोगों को श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे बोल।